अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है, इससे लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में जो है एक्सरसाइज 1.1 के जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन थे उनके सॉल्विंग की थी। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि ये ए सेट दिया हुआ है हमें, ए बी सी डी, इसके सारे सबसेट मालूम करने हैं हमें, हेंस और अदरवाइज फाइंड पी ए, यानी कि पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब हम इस करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके कितने पावर सेट बनेंगे। अब आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए कि हमारे पास एक फार्मूला था 2 की पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अब कितने 4 एलिमेंट है हमारे पास, तो हमने क्या लिखा, 2 की पावर 4 लिखी, तो हमारे पास क्या होगा, 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था ये टोटल जो है 16 हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे सबसेट्स कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से कितने प्रॉपर होते हुए कितने इम्प्रॉपर, हमने कहा था जो इसमें से 1 है वो हमारे पास कौन सा सेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है हमारे पास, यानी कि 16 - 1 क्या हो जाएगा, 15, ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, पर पावर सेट में हम क्या करते हैं, हम ये अलग अलग करके नहीं लिखते, जैसे प्रीवियस में हम क्या कर रहे थे, हेडिंग वाइज कर रहे थे कि प्रॉपर सेट लिख दिया, फिर उसके बाद इम्प्रॉपर सेट लिख दिया, पर हम यहाँ क्या करेंगे, कंबाइन सेट लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, अब हम देखते हैं, हमने क्योंकि इन्होंने हमें क्या मालूम करने को दिया, पावर सेट ऑफ ए, ए का पावर सेट, तो हमने क्या लिखा, पावर सेट ऑफ ए लिख देंगे हम। अब हमारे पास कितने पावर सेट बनने चाहिए ए के, हमने वहां सॉल्विंग की तो क्या आ रहा है, 16 बनने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला आप लोगों को क्या पता है कि कौन सा आता है, सबसे पहला जो सबसेट आता है वो कौन सा आता है, नल सेट आता है, तो हमने क्या कर दिया, नल सेट लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट से मुराद जो कॉमा के साथ वैल्यू दी गई, यानी कि 1, 2, 3, 4, इन सबको क्या कर देंगे, सिंगल करके लिखेंगे, यानी कि अलग अलग करके हम इन चारों को लिख लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इन चारों को अलग अलग करके लिखते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सबको जो है सिंगल करके लिख लिया, सब अलग अलग करके लिख लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, जब हमने सिंगल लिख लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, डबल करके लिखे हैं, यानी कि मैं ए के साथ बी को लिखूंगा, फिर ए के साथ ही सी को, और फिर ए के साथ डी को, इस तरीके से मेरे पास ये कितने सेट बन जाएंगे, 3 सेट बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे ए बी, फिर मेरे पास अगला क्या आएगा, बी सी, और फिर उसके बाद अगला क्या आएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं पूरी इस रो में चलूंगा, इधर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर पावर सेट की ही हेडिंग आएगी। ठीक है, अब हमने क्या लिख लिया, ए बी लिख लिया, ए सी लिख लिया हमने, फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्या आ रहा है, ए डी, हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने ए के साथ सारे एलिमेंट लिख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, ए वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, यानी कि आप ए के साथ लिखने के बजाय अगला जो एलिमेंट है बी, उसके साथ सारे लिखेंगे। अब मैं क्या बी के साथ सी, बी के साथ डी, अब बी के साथ ए क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि होगा क्या, अगर इसके साथ लिखेंगे तो ये बी ए हो जाएगा, और ए बी हमारे पास रिवाइज हो रहा है, तो इसलिए हम रिवाइज वाले नहीं लिखेंगे। अब अगर मैं बी सी लेता हूँ तो कहीं पर यहाँ बी सी या सी बी आ रहा है, नहीं रिवाइज नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसलिए ये बी ए नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बी सी और बी डी ले लेंगे हम। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक साइड बी सी आ गया और एक क्या आ गया हमारे पास, बी डी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने B के साथ वाले एलिमेंट ले लिए, अब हम क्या करेंगे, C के साथ वाले एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि C को किसके साथ लेंगे, D के साथ। अगर अब मैं C को A के साथ ले लूं तो ये क्या होगा मेरे पास, सी ए यहाँ पर आ रहे हैं, C रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। अगर मैं C को जो है B के साथ लिखूं तो क्या ये क्या हो जाएगा, सी बी। अब मेरे पास बी सी भी आ रहा है, तो ये भी जो है मेरे पास रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये भी नहीं लिखूंगा। उसके बाद अगर मैं सी डी लिखूं, कहीं रिवाइज हो रहा है सी डी, हमारे पास कहीं भी सेट में रिवाइज नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे, सी डी लिख देंगे।
ठीक है, अभी भी हमारे पास ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई 16 की। अभी हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, यानी कि कितने रिमेनिंग रह गए, 5 रिमेनिंग अभी भी है। अब हमें क्या करना है, जब हमने डबल का कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल, यानी कि तीन तीन एलिमेंट एक साथ यूज करेंगे। सबसे पहला ए, मैंने क्या लिया, ए बी सी, ये मैंने एक ले लिया, ठीक है, ए बी और ये सी। अब मैंने क्या किया, ए बी सी लिया था, सी के बजाय ए बी डी ले लिया, ठीक है, देखते भी रहना है हाथ के हाथ कहीं पे रिवाइज ना हो। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी डी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, ए फिर हम ले लेंगे ए सी डी, आ रहे कहीं पे ए सी डी, ये तीन एलिमेंट आ रहे, भले तरतीब आगे पीछे हो पर क्या ये तीन एलिमेंट आ रहे इस तरीके से, ए बी डी कहीं भी नहीं आ रहे, ठीक है, तो ए सी डी, ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारे पास कहीं भी जो है रिवाइज नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, ए सी डी ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारे पास 14 होगा। अब इसके बाद मैंने ए के साथ सारे एलिमेंट ले लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, बी के साथ ले लूंगा, बी सी डी, बी सी डी, ये मेरे पास क्या हो गए, 15 हो गए। अब मेरे पास 15 हो गए, लास्ट ले गया मेरे पास 16। अब 16 क्या होगा, आप लोगों को पता है ये जो 15 आए हैं ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखता है, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, जो सवाल में सेट है वही आप एज इट इज प्रॉपर लिख देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि क्या आ रहा था सवाल में, ए बी सी डी, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसमें एक न्यू चीज क्या है, ये जितना भी हमने लिखा है इन सबको क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये कहलाएगा हमारे पास पावर सेट ऑफ ए। पिछले में आप क्या कर रहे थे, जब सबसेट हम मालूम कर रहे थे, जब हम सबसेट मालूम कर रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हेडिंग वाइज लिख रहे थे, यानी कि ये 15 प्रॉपर सबसेट थे, एक इम्प्रॉपर सबसेट थे, पर इसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे कंबाइन करके लिखेंगे हम, और एक सेपरेट ब्रैकेट भी यूज करेंगे ताकि पता चले हमारे पास कि ये हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहे इज देयर एनी सेट, यानी कि कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सेट, जिसमें कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, इफ यस अगर है स्पेसिफाई द सेट, तो फिर उसको बयान करो या उसको दिखाएं कि कौन सा सेट है हमारे पास। अब अगर मैं कुछ भी लेता हूं, अगर चले मैं यही वाला लेता हूं, तो इसमें क्या ऐसा कोई भी प्रॉपर सेट नहीं आ रहा, आ रहा है मेरे पास सबसे पहला प्रॉपर सेट क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, फिर एलिमेंट आ जाएंगे, तो मैं इसका क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा यस देयर इज अ नल सेट। क्यों लिखा मैंने, अगर मैं नल सेट लेता हूं, मैंने ये नल सेट लिया, अब आप लोगों को पता है नल सेट को मैं यू लिखूं या फिर यू लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। अब मैंने कहा हाँ ऐसा सेट है, वो कौन सा है, नल सेट, क्यों। अब अगर नल सेट है, मैं आप लोगों को कहता हूँ इसका जो है प्रॉपर सबसेट बना, प्रॉपर सबसेट बनेगा। अब सबसे पहले तो क्या आता है, अगर मैं इसका प्रॉपर सबसेट बनाऊ तो नल सेट आता है सबसे पहले, ठीक है। अब इसके आंसर में जो है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, ये नल सेट आ गया। प्रॉपर सबसेट में यही होता है, हमारे पास हम पहला सेट नल सेट लिखते हैं, पर आपने देखा हो जो सवाल में वही आंसर में आ रहा है, तो ये प्रॉपर की बजाय क्या बन जाएगा हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, क्योंकि अगर सवाल वाला ही सेम है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने बता दें कि हाँ ऐसा सेट है, वो कौन सा सेट है, नल सेट है, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, हाँ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, वो फाइंड अ सेट, एक सेट मालूम करो विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। आप ऐसा कौन सा सबसेट मालूम करोगे आप, जिसका सिर्फ एक एक प्रॉपर सबसेट हो। अब आप कोई सा भी ले सकते हो, कैसे। अब अगर मैं बोलूं मैंने ए ले लिया, ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन किया, अब इसके के एलिमेंट कितने, 1। अगर मैं 2 की पावर 1 के हिसाब से लूं, यानी कि 2 की पावर 1 के हिसाब से, तो क्या होगा, दो सबसेट आएंगे। अब इसमें से एक मेरे पास कौन सा होगा, प्रॉपर हो जाएगा, और एक क्या होगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा मेरे पास, नल सेट। आप लोगों को पता है कि सबसे पहला क्या आता है, नल सेट, और
उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं सिंगल सिंगल करके लिखते हैं। अब अगर मैं ये सिंगल करके लिखूंगा ए को, तो आप देखिए ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा हमारे पास या इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये होगा हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि हमारे पास ये जो है क्या होगा, एक प्रॉपर सबसेट होगा। मैंने ए की मिसाल ली थी, आप लोग चाहो तो बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, 1, 2, 3 प्लस कुछ भी आ रहे, पर ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, उसको लिख देंगे हम। अब ऐसा एलिमेंट लिखना है हमें जिसमें जो है सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो हम इसको वर्डिंग में लिख लेंगे द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, सही। यानी कि हमें एक प्रॉपर सबसेट के लिए कोई भी ऐसा सेट लेना है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। अब आप कुछ भी देख सकते हो, काउंटिंग में से ले सकते हो, अल्फाबेट में से ले सकते हो, स्पेशल सिंबल्स में से हो सकते हैं, या फिर प्लस माइनस किसी में से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जितने जो ये तीनों सवाल देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अब हम इस पर क्या बोल रहे हो, इफ एन ए, यानी कि एलिमेंट की काउंटिंग दे दी है इन्होंने, के नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कोई भी एक सेट दिया हुआ है, जैसे उन्होंने इस तरीके से एक सेट दे दिया है, इस पे कितने नंबर, 10 नंबर आ रहे हैं इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो है 10 नंबर आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, एलिमेंट की काउंटिंग दे दी। देन आपको मालूम करना है अगर एक सेट में 10 एलिमेंट है तो उसके कितने पावर सेट बन गए, यानी कि इस तरीके से अगर यहाँ पे क्या थे, एक सेट में 4 एलिमेंट थे तो उसके कितने सबसेट बन रहे थे, 16, यानी कि पावर सेट जो है 16 बन रहे थे। अब अगर इसमें जो है 10 है तो उसके कितने सेट बनेंगे, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। चलो साइड आ जाते हैं हम, हमारे पास क्या है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर क्या दी गई हमें, 10 दी गई। अब हम देखते हैं इसको 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर 10 टाइम मल्टीप्लाई किया, अब हम इसका आंसर देखते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 128 2 256 और 256 2 हम देख लेते हैं इसको, ठीक है, 502, और 502 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1004। हमने कहीं पे जो देखते हैं हम 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 256 2 5 10, ये इस तरीके का आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, टोटल 1024, यानी कि अगर एक एलिमेंट एक सेट में जो है 10 एलिमेंट है तो इस तरीके से उसके कितने पावर सेट बनेंगे, 1024, यानी कि इस तरीके से ये जो हम काउंट कर रहे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये कितने आने चाहिए, 1024। तो हम इनको लिख के बता देंगे, इफ एन ए इक्वल टू 10, देन अगर एन ए जो है वो इक्वल टू 10 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 10 है, तो उसका पावर सेट कितना होगा हमारे पास, 1024, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहें ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है ये ना लिखे आंसर में, सिर्फ आप ये डायरेक्ट लिख लें, यानी कि कैलकुलेट रफली करके और ये बता दें तो भी ठीक है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे शो किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल क्या है, वो कह रहे क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को इस्तेमाल करना है टू गिव एन एग्जाम्पल, एक मिसाल देने के लिए ऑफ नल सेट, नल सेट की मिसाल देने के लिए, यानी कि खाली सेट की मिसाल देने के लिए। अब आप कुछ भी दे सकते हैं, बुक में आंसर में कुछ और दी हुई होगी, हम कुछ लिखें कुछ और होगी, तो इससे कुछ फर्क
नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है जो फिक्स है वो लिख लेते हैं। सेट बेटर फॉर्म की फिक्स कंडीशन क्या है, एक्स इधर एक्स बिलोंग टू, अब कौन से नंबर से बिलोंग करवाना है आपको, ठीक है आप वो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया होल नंबर, लिख देता हूँ मैंने क्या लिख दिया डब्ल्यू यानी कि होल नंबर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं, हमारे पास जीरो से शुरू होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है इस तरीके से। अब एक्स सजेस्ट, ये नाम हमने प्रीवियस लेक्चर में जब इसके सेट बिल्डर फॉर्म का लेक्चर नंबर वन में देखा था तो इनको बताया भी था कि इस सेट को क्या कहते हैं, इसको क्या, जैसे कि ये वाला जो सेट है इसको हम क्या कहते हैं, सच डेथ कहते हैं इसको हम, ठीक है सच डेथ। और ये वाला जो साइन है हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग टू, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्स सच डेथ एक्स बिलोंग टू होल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, याद होगा आपको प्रीवियस क्लास में, इसको हम कहते हैं एंड। फिर उसके बाद हमने लिखा एक्स, अब मुझे नल सेट की कंडीशन दे रही है, आपने नल सेट की क्या कंडीशन, तो मैंने कहा कि एक्स जो है वो छोटा है, यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर क्या है जीरो, अब मैंने लिख दिया एक्स जो है वो जीरो से छोटा है। अब क्या काउंटिंग में कोई ऐसा नंबर है जो जीरो से छोटा हो होल नंबर में, क्या जीरो से छोटा कोई नंबर आता है, नहीं, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई हमारे पास नल सेट की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको होल होल सेट की मदद से दिया, अब अगर मैं इसको नेचुरल नंबर की मदद से दूं, यानी कि नेचुरल नंबर हमें पता है किससे शुरू होते हैं, वन टू थ्री इस तरीके से, ये भी अनकाउंटेबल होता है। अगर मैं नल सेट की एग्जाम्पल नेचुरल नंबर से दूं तो किस तरीके से हो जाएगा, x such that x belong to natural number and x is less than, अब इसका सबसे आखिरी नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं इधर 1 लिखूंगा तो आप लोग बोलोगे 1 से छोटा 0 होता है, पर नहीं, हमने नेचुरल नंबर देखना है किससे बिलोंग कर रहा है, हमें काउंटिंग नहीं देखनी, हमें वो नंबर देखना है। अब नेचुरल नंबर में 1 से छोटा कोई नंबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ये लिख रहे हैं, ये दोनों सेम है, बस आपको क्या रहना है, एग्जाम्पल देनी है नल सेट की, ठीक है। हो सकता है बुक के प्रीवियस में जो आंसर होते हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये देख लीजिएगा, इसमें लिखा है कंसीडर द सेट ए, यानी कि एक सेट दिया हो, वो बोल रहे हैं इसे तस्लीम करो, यानी कि इसे देखो, फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ऑफ बी, और फिर इसका प्रॉपर सबसेट बनाओ, यानी कि सी का BC is a subset of D, then find a proper subset of D of C, और फिर C में से D वाला proper subset बनाओ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास given है A, हमने लिख दिया A, लिख दिया हमारे पास A 1 2 3 4, ये मैंने A लिख दिया, सही है। अब मुझे जो है कितने alphabet दिए हुए, 1 2 3 और 4, चार alphabet दिए हुए, मैंने A लिख दिया, मुझे B उससे छोटा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो शुरू से एक नंबर, अब जैसे कि यहाँ पर चार एलिमेंट है, मुझे सिर्फ 3 एलिमेंट लेना है, अब मेरी मर्जी में शुरू का नंबर गायब कर दो, लास्ट का या बीच का कोई इशू नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट वाला छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे हमें बी भी लिखना है, ठीक है, 1 2 3, सही है, बी जो है ए का सबसेट हो गया हमारे पास। अब मुझे जो है सी लिखना है, वो किसका सबसेट हो, B का सबसेट, अब मैंने क्या किया, फिर लास्ट का कैंसिल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 2, फिर मुझे क्या करना है, D लिखना है जो कि किसका सबसेट हो, C का सबसेट हो, तो फिर मैंने लास्ट से नंबर कैंसिल कर दिया तो वो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब कंडीशन ट्रू हो गई, उन्होंने क्या बोला, ऐसा सेट बनाओ जो कि C जो है B का सबसेट हो, C क्या B का सबसेट बन रहा है, यानी कि ये जो चीज है ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन प्रूव हो गई, क्या C is a subset of B, सही है। फिर उसके बाद वो बोले then find a proper subset of D of C, यानी कि ऐसा subset बनाओ जिसमें D जो है वो C का subset हो। Condition prove हो गई, D में एक element, C में दो element, तो हमने लिख दिया and D is a subset of C, ठीक है। अब जो यहाँ पर लाइन लगी हुई होती है उसका मतलब क्या होता है, सबसेट तो होता है पर बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 होगा, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, पर अभी सिर्फ सिंपल सबसेट बता रहे हैं तो हमने यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों का जो होमवर्क है आज का, आप लोग करना क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, इसको देख लें, आप लोग देखें सामने,
बुक के आ जाए पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर आपको जो है सब क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट, यानी कि इसमें से जो गिवन है उसमें से कौन से जो है आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। अब पहला दिया हुआ है आपको, मैं शॉर्टली इसे बता देता हूँ, ठीक है, मैं एक करवा देता हूँ आपको यहाँ पर रफली से सेट, बाकी आप खुद देख लेंगे। ए जो है मेरे पास दिया हुआ है इन्होंने, ए बी सी और बी जो है इन्होंने दिया हुआ है मुझे 1 2 3। अब इसमें से बता दें ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए दूसरे सेट में। ये नहीं कि इधर 1 आ रहा है तो उधर भी 1 आ, इधर 3 आ रहा है तो उधर भी 3 आ। इसका मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट दिए हुए 1 2 3 और यहाँ पर भी कितने एलिमेंट दिए हुए 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। अब अगर ये होता कि यहाँ पर भी 1 2 3 होता और यहाँ पर भी 1 2 3 होता तो फिर ये इक्विवेलेंट सेट भी होता, पर उसके अलावा ये इक्वल सेट भी होता। इक्वल सेट का मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो, दोनों में सेम चीजें भी होगा, इसमें जो है वही उसमें हो तो वो इक्वल सेट कहलाता है। पर सिर्फ जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जो नंबर की तादाद है वो सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। इस तरीके से इसका मैंने फर्स्ट ऐसी रफली आपको बता दिया, आप बिल्कुल फेयर तरीके से करेंगे। उसके अलावा जो इसका बी और सी है ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को खुद करना है। आज के लेक्चर में हुआ क्या, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। अब अगले लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यानी कि 1.2। आज के लेक्चर के लिए।